जिस दिन मजदूर अपनी ताकत को पहचानेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, किसान आंदोलन की तरह तीन कानून वापस हुए कि नहीं हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर मजदूर मजबूती से लड़ेगा तो कानून धराशायी हो जाएंगे। नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मानेसर में, जहां आसपास के औद्योगिक क्षेत्र से मज़दूर अलग अलग फैक्ट्री से यहां आए हैं, क्योंकि मज़दूर 18 जुलाई भारतीय मजदूर आंदोलन में एक खास दिन है, जब मारुति का आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के दौरान बाद में प्रशासन और तमाम चीज़ों के हस्तक्षेप के बाद हिंसक घटनाएँ हुई, जिसके बाद पूरे आंदोलन के बाद आंदोलन का दमन हुआ, उसके बाद कई सारे कर्मचारियों को जेल में भेजा गया। इस आंदोलन के 10 साल पूरे होने पर अलग अलग फैक्ट्री के मजदूर यहाँ पे उनके सोलिडरिटी में यहाँ पहुँचे हैं, और उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे उनकी क्या मांग है आज, और 10 साल पहले हुए संघर्ष के बाद और बीच के जो दौरान संघर्ष में छोटे मोटे, उसके बाद मजदूर आंदोलन क्या खोया और क्या पाया है। मेरा नाम राम निवास है, मैं 2003 से 2012 तक मारुति का मजदूर रहा हूँ। 2012 में जो इंसिडेंट हुआ 18 जुलाई 2012 को, उसके बाद से 546 स्थायी मजदूरों को निकाल दिया था, जिनमें से एक मैं भी। मैं अजीत सिंह, बैल सोनिका यूनियन से जनरल सेक्रेटरी। आज के आंदोलन में जो पार्टिसिपेशन अलग अलग उद्योग क्षेत्र मजदूरों को, इसका क्या संदेश है और किस मांग को लेकर? देखिए, आज का जो ज्ञापन का कार्यक्रम है वो मारुति सुजुकी मजदूर संघ के द्वारा है, और मारुति का जो संघर्ष हुआ था यूनियन बनाने का, तो उसको लेके जो 2012 में जो 18 जुलाई 2012 को एक प्रबंधन और शासन प्रशासन ने मिलके जो है मजदूरों को एक कांड में तब्दील किया, और उस कांड की पूरी जिम्मेदारी मजदूर और उसकी यूनियन के ऊपर डाल दी गई। यूनियन बनाने के लिए हमारा आंदोलन चला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चला, बहुत तीन बार बड़ी बड़ी स्ट्राइकें हुई, जिसमें मैनेजमेंट को अरबों रुपये का नुकसान भी हुआ, लेकिन उस दौरान भी किसी भी वर्कर ने मिसबिहेव नहीं किया, किसी भी गाड़ी को स्क्रैच तक नहीं मारा। और जो ये दिखाते हैं कि 18 जुलाई की घटना के बाद मजदूरों ने एक मैनेजर को मार दिया, ये सरासर मैनेजमेंट की प्री प्लानिंग तरीके से की गई घटना है, जिसका आरोप लगा के 150 मजदूरों को जेल में डाल दिया गया, 2300 मजदूरों को बाहर निकाल दिया। प्री प्लानिंग तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घटना जो हुई ये शाम 7:20 पर हुई, लेकिन मैनेजमेंट ने पुलिस फोर्स को 2 बजे से पहले बुला लिया था, उनको पहले पता था कि कुछ ना कुछ होने वाली है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, अगर हम उनके ऊपर वैसे निगाह डालें तो पता चलता है कि ये किस तरीके से कराया गया। इतनी बड़ी घटना है, मारुति जैसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी इन्होंने CCTV कैमरा लगा रखा है। 18 जुलाई की घटना के बाद जो ट्रायल चला है कोर्ट के अंदर, एक भी फुटेज को उन्होंने नहीं दिखाया। मारुति के पास फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ हैं खुद की, जो हर टाइम वहाँ खड़ी रहती हैं, जबकि 18 जुलाई को जो आगजनी हुई उसको बुझाने के लिए उन्होंने गुड़गांव से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई। 650 से ज़्यादा इनकी ग्रुप 4 की सिक्योरिटी है। मजदूर जब उत्तेजित थे तो किसी ग्रुप 4 की सिक्योरिटी वालों ने किसी मजदूर को नहीं रोका। जैसे मैंने बताया कि पुलिस टाइम से पहले पहुँच गई थी, जब मजदूर इनका कहना है कि मारपीट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, किसी भी अधिकारी ने किसी मजदूर को नहीं रोका। तो इन सारी चीज़ों से एक बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मारुति मल्टीनेशनल कंपनी, उसके जिस HR विभाग में ये बोलते हैं कि आग लग गई, रूम टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, कोई स्मोक भी करता है तो अलार्म होगा, आग लग जाती है तो पानी अपने आप चलेगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन सारे के सारी चीज़ें फेल हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लगभग 150 मजदूरों को उठा के जेल में सीधे तौर पे डाल दिया गया, और लगभग 2500 मजदूरों को टर्मिनेट कर दिया गया सीधे तौर पे। तो आज उसको लेके कि संघर्ष के 10 साल हुए हैं, और 10 साल के बाद भी जो है जो जेल में बंद साथी हैं, जो 13 साथियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है जो नेतृत्व में थे, तो उनको जो है उनकी जो उनको सज़ा दी गई है, उनके मुकदमे जो दर्ज किए गए थे उन मुकदमों को रद्द किया जाए, उनकी सज़ा को रद्द किया जाए, और जो साथी टर्मिनेट किए गए थे उनकी कार्य बहाली को लेके, और दूसरा मुद्दा था जो है जो 4 लेबर कोड आए हैं वो लेबर कोड को रद्द किया जाए, क्योंकि वो घोर मजदूर विरोधी लेबर कोड है, तो उसको लेके आज ये जो है हमारा ज्ञापन का कार्य।
कार्यक्रम था जिसमें 7-8 यूनियनों के मजदूर साथी जो है आज आए हुए हैं। कम से कम हजारों की तादाद में जो है मजदूर यहाँ पे मौजूद है। मेरा नाम सुबोध ग्रेवाल है, मैं हीरो मोटो कॉर्प गुड़गांव यूनियन प्लांट का प्रधान हूँ। ये जो हमारा संघर्ष चला हुआ है, मारुति वाले साथियों ने छेड़ा हुआ है, ये हम उनका साथ देने के लिए इस संघर्ष में उनके कंधे से कंधा मिला के पहले भी उनके साथ रहे हैं, आगे भी संघर्ष में किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो हम अपने साथियों के साथ हैं। जो मारुति में 2011 में एक यूनियन बनाने का संघर्ष शुरू हुआ था, वो संघर्ष जो कानून में दर्ज जो मजदूरों का अधिकार है यूनियन बनाने का, ट्रेड यूनियन 1926 के तहत, उसके तहत वो यूनियन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो है लगे हुए थे साथी, तो 4-5 साथियों ने प्लांट के अंदर की किसके लिए यूनियन बनाने को लेकर, संविधान में दर्ज उसको लेकर भी जो है मजदूरों को हड़तालें करनी पड़ी। और उसके बाद जो है कि 18 जुलाई को जिस तरीके से प्रबंधन शासन प्रशासन ने मिलकर इसको कांड का रूप दिया और बेगुनाह मजदूरों को उठा के जो है जेल में डाल दिया गया, वो मजदूर हम इसलिए बेगुनाह बोल रहे हैं कि वो पूरी की पूरी साजिश जो है प्रबंधन और शासन प्रशासन की थी। मजदूर जब अपने कानूनी अधिकार को पाने के लिए जो है वो हड़ताल कर रहा है, वो जो है यूनियन बनाने की कवायद शुरू कर रहा है, तो वो जो है गैर कानूनी कैसे है कि यूनियन बनाना तो कानूनी प्रावधान है कानून के अंदर। मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि मजदूरों ने उत्पात मचाया, मजदूर मैनेजरों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, वो जान से मारना चाहते थे, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं। उसमें अगर देखें 3000 मजदूर हथियारबंद, डोर बीम, शोकर, आयरन रोड, ये लेके 3000 लोग अगर मारने पे आएंगे तो क्या एक मैनेजर की जान जाएगी? वो भी उस मैनेजर की जिसको हम क्लेम करते हैं कि ये मजदूरों का पक्षधर मैनेजर था जिसने यूनियन बनवाई थी। इतनी बड़ी घटना में तो शायद कोई नहीं बचना चाहिए, फिर वही मैनेजर क्यों मरा जिसने यूनियन बनवाई? ये सारे सवाल अपने आप में दिखाते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। कोर्ट के अंदर जब चालान पेश किया गया तो 92 वर्कर के अगेंस्ट में 4 विटनेस पेश किए गए, विटनेस नंबर 9, 10, 11, 12, नाम नहीं दिया गया, 9, 10, 11, 12 ऐसा किया। विटनेस नंबर 9 जो अपने बयान में बोलता है कि मैंने 20 लोगों को देखा जिनके नाम A to G अल्फाबेटिकली, अमर, ईमान, बलबीर, ऐसे अल्फाबेटिकली। विटनेस नंबर 10 G to P, विटनेस नंबर 11 P to S और S to Z। अगर टेंस का माहौल है, माहौल इतना है कि गुस्सा हुए मजदूर मारपीट कर रहे हैं, तो इतना किसे टाइम मिलेगा कि ए नाम के इधर आ जाओ, बी नाम के इधर आ जाओ, एस नाम के इधर हो जाओ? ये मतलब ट्रायल के दौरान जज साहब ने भी बोला भाई अच्छे से तैयारी नहीं की, और उन्हीं 92 मजदूर के एक भी एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ, वो 22 जनवरी हुए। तो इससे दिखाता है ये पूरा का पूरा प्री प्लांट तरीके से बनाया गया केस है, फॉल्स है टोटली। मजदूरों के सामने आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नए नए ला कानून आ रहे हैं, संघर्ष से भरा हुआ समय हमारे सामने आने वाला है, लेकिन जो भी संघर्ष आएगा हम सारे साथी इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम उन कानूनों से घबराने वाले नहीं हैं, उन कानूनों को बदलाव करने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, सारे एकजुट होकर बिल्कुल सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन जो मजदूरों के हित का कानून होगा उनके खिलाफ कानून होगा उसको हम लागू होने नहीं देंगे। आज बिल्कुल सरकार श्रम कानूनों को बदल रही है, 4 लेबर कोड को लेके आ रही है, मजदूरों के जो लड़ने के हथियार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन मजदूर सिर्फ कानून के बाउंड्री में बंधे हुए नहीं हैं। मजदूर अपनी वर्गीय एकता में इस टाइप से बंधे हुए हैं कि मुझे अपने आंदोलन से ही पता है कि 3 अक्टूबर 2011 को हमने गुड कंडक्ट बॉन्ड अंडरटेकिंग भर के हम गए थे कि आज के बाद कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, कभी भी गोस्लो नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमारे 1200 कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉई को बाहर छोड़ दिया कि इनकी तो हमारी मर्जी है, इनको काम पे लें ना लें। 44 हमारे परमानेंट जो मजदूर थे उनको काम पे नहीं जाने दिया। अंडरटेकिंग भरने के बाद भी हमने फिर से स्ट्राइक की, पूरे के पूरे मजदूर एक 100% मेजोरिटी के साथ
स्ट्राइक पे बैठ गए और मैनेजमेंट को फिर से समझौता करना पड़ा। लगातार मजदूर वर्ग के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं, कभी लेबर कोड के माध्यम से, कभी समाज में जो जिस तरीके से ध्रुवीकरण पैदा किया गया जा रहा है लगातार जो है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ऊंच नीच, कभी दलित, जो है इस तरीके से समाज में जो ये ध्रुवीकरण है, जो समाज को बांटने की साजिश है, इसका इम्पैक्ट मजदूर वर्ग के ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि वो फैक्ट्री में तो मजदूर हैं, बाहर जाके तो नागरिक जो है होते हैं। तो इन चीज़ों का असर ये है कि जो ये समाज के अंदर ध्रुवीकरण है, मजदूर अपने एजेंडे से जो है इस शासक वर्ग द्वारा भटका दिए जाते हैं, और जो उनके सामने एक नकली एजेंडा फेंक दिया जाता है, वो धर्म का एजेंडा है, वो जो है एक नकली दुश्मन पैदा करके जो एजेंडा फेंक दिया जाता है, उसके कारण मजदूर वर्ग पर जो है लेबर कोड के माध्यम से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो फैक्ट्रियों के अंदर ठेकेदारी प्रथा है, नीम ट्रेनिंग है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है, इनके तहत जिस तरीके से जो है फैक्ट्रियों में लगातार स्थाई काम के ऊपर अस्थाई जो मजदूर लगा के, और मालिक एक शर्म की बहुत, मजदूरों के शर्म की बहुत बड़ी चोरी कर रहा है, वो बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है।